नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जैसे बैंक में पैसा रखते हैं, वैसे दिल में भगवान को जगह दीजिए, ऐसा कहना है हनुमान अवतार दिव्य शक्ति नीम किरोरी बाबा का। यूं तो देवभूमि उत्तराखंड का कोना कोना ऋषि मुनियों की तपोभूमि में शामिल है, शक्ति और आस्था का केंद्र है, लेकिन नैनीताल से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर कैची धाम में मौजूद है एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसका आभास देखिए सात समंदर पार विदेशी धरती पर अंग्रेजों को भी होता है। कैची धाम की ख्याति देखिए विश्व भर में फैली हुई और इसके पीछे की वजह है हनुमान अवतार नीम किरोरी बाबा के अद्भुत चमत्कार। आडंबरों से दूर न माथे पर तिलक और न ही गले में कोई माला, फिर भी ये पूरी दुनिया नीम किरोरी बाबा के आगे शीश झुकाती है। एक ऐसे दिव्य पुरुष जिन्होंने कभी किसी को अपने पैर तक नहीं छूने दिए, लेकिन आज ये समूची दुनिया उनकी आराधना करती है। एक ऐसे सिद्ध पुरुष जिन्होंने हनुमान उपासना से अनेकों चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त की और फिर अपने इन्हीं सिद्धियों के बल पर मानव जाति का कल्याण किया। तो आम आदमी से लेकर देखिए अरबपति खरबपति हर किसी का नीम किरोरी बाबा पर अटूट विश्वास है। बाबा के भक्तों की लिस्ट में हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर देखिए एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी शख्सियत का नाम लिया जाता है। आलम यह है कि भाई कैची धाम से जुड़े चमत्कारों को सुनकर दुनिया भर के कोने कोने से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। ऐसे ना जाने देखिए कितने किस्से और देखिए कितने चमत्कार है जो कैची धाम से जुड़े हैं, लेकिन हम नीम किरोरी बाबा से जुड़े दो ऐसे चमत्कारों के बारे में आपको बताएंगे जिसके बाद ये दुनिया बाबा को हनुमान अवतार मानने लगी थी। कहा जाता है एक बार भंडारे के दौरान कैची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। अब बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भर कर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वो जल घी में बदल गया। ऐसे ही एक बार बाबा नीम किरोरी बाबा महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ये वो चमत्कार है देखिए जिसकी जानकारी कैची धाम आने वाले बाबा के भक्तों को हमेशा रही है। अब अगर आपको हम अपने खुद का अनुभव बताएं तो जब जब धर्मज्ञान की टीम शूट के लिए कैची धाम से अगर बजेरी गांव गई तो हमेशा रुककर बाबा के दर्शन किए, लेकिन एक बार लौटते वक्त कैची धाम में किसी कारणवश हमारी गाड़ी वहां नहीं रुकी और बाबा के दर्शन किए बिना हम आगे बढ़ गए। लेकिन विश्वास करिए परिणाम स्वरूप रास्ता भटकते हुए पहाड़ों से नीचे उतरने की बजाय घुमावदार सड़कों के जरिए वापस कैची धाम पहुंच गए। यानी कि देखिए जिस रास्ते से हम लोग गुजरे थे अंततः वापस वहीं पहुंच गए। तो कैची धाम की इन खूबसूरत वादियों में मौजूद नीम किरोरी बाबा का ये आश्रम देखिए आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है और भक्ति का केंद्र है, और इसलिए यहाँ आया कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटा है।